कहाँ जा रहे हो? खेत खलियानों में। क्लोथिंग आइटम्स भी बहुत मिल रही हैं। ब्रेकफास्ट इज हियर। 3 लाख का बिल है। 4 लाख की सिम। काफी ड्रीमी लग रहा है यहाँ का सनसेट। एटलस बीच क्लब भी साथ पास में ही है। हाँ, दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है। और ये है क्यूट बाउल जो मैंने मंगाया है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम बाली एंड दिस इज़ आवर मॉर्निंग व्यू। कल रात को हम पहुँचे थे 9 बजे, फिर खा पी के सो गए। ये है लोकेलिटी जहाँ हम रुके हैं। दिस एरिया इज़ कॉल्ड बातू बुलोंग। यहाँ पे काफ़ी सारे कैफेज एंड स्ट्रीट हैं। दिस इज़ आर स्टे। यहाँ पे ना एक चीज़ है कि लोग अपने घर के आगे ये ऑफरिंग्स रखते हैं, जिसमें कुछ बिस्किट, कुछ फ्लावर्स और ये इंसेंस स्टिक्स वगैरह होती हैं। एंड इट इज़ सेड दैट यू शुडंट स्टेप ऑन देम बिकॉज इट्स अ बैड साइन, इट ब्रिंग्स बैड लक टू यू। तो जो भी यहाँ पे आए, टेक केयर ऑफ दिस थिंग। इसका रूम एंड प्रॉपर्टी टूर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से दूसरी वीडियो में देख सकते हो। एंड अभी हम मुड़ गए हैं, वी आर प्लानिंग टू जस्ट रूम अराउंड। अभी एक बार देख कर आते हैं सिम का एंड ब्रेकफास्ट का, ठीक है? लेट्स गो। यहाँ पे सारे ना लाइन से ऐसे विला बने हुए हैं। दो लोकल्स के घर है, पर अच्छा लग रहा है ना? यहाँ पे वॉक करना ये कितना अच्छा लग रहा है। टेरेस फार्मिंग, यहाँ तो टेरेस फार्मिंग इतनी है कि फ्लाइट से भी टेरेस फार्मिंग ही दिख रही थी, है ना? ये कितना अच्छा लग रहा है। थोड़ा एस्थेटिक है यहाँ पे, ये एरिया अच्छा लग रहा है। थोड़ा खुला खुला सा है, थोड़ा हाँ। वैसे तो मौसम भी अच्छा तो हो रहा है वैसे आज। मौसम भी अभी ठीक है, सारे शॉप्स वैसे थोड़ा थोड़ा खुलना शुरू हो गई है। लेट्स गो एंड गेट फ्रेशन अप। मेनली शॉप जो है 9 से 10 बजे के बाद ओपन हो जाती है। हाँ, 9 से 10 के बीच सारी ओपन होती है। चलते हैं। वैसे तो हर जगह यहाँ पे स्कूटी रेंटल है, बट हमने इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया नहीं है, सो वी डोंट वांट टू टेक रिस्क वैसे तो। बट हाँ, अगर एकदम आसपास के लिए लेना हो तो वी कैन थिंक अबाउट इट ना। किलोमीटर आसपास ही जाना है तो। हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है। ये भी आई थिंक कोई रेस्टोरेंट है। कैफे ही है। और इनको देखो, दो माह से यहाँ के फ्रूट्स बहुत प्रेफर है ना। हेलो, कलरफुल से आ रहे हैं यहाँ पे। ये अच्छा ऑप्शन लग रहा है मुझे जो बगल में ही है। कोकोनट वाटर भी यहाँ पे, इंडियन और वीगन वगैरह सब मिल रहा था। वी हैव ए गेस्ट। इंडियन डिशेज इज नान, नान, गार्लिक रोटी, कीमा, समोसा, दाल, करी, दाल लिखा है दाल को। और ये भी है पराठास, फलाफल, खिचड़ी, खिचड़ी। और यहाँ पे स्मूदी बोल्स भी हैं, इंडियन ब्रेकफास्ट। ये इस कैफे की छोटी सी मार्केट टाइप लगी हुई है अंदर, फ्ली मार्केट। इट्स प्रीटी क्यूट। यहाँ पे क्या मिल रहा है? बीड्स वगैरह, नेकलेसेस। हाँ, ये मैंने काफ़ी जगह सुना है। ये ना फ्लावर टी होती है और ये ब्लू कलर की बनती है। काफ़ी सारे इनके पास टी और ऑर्गेनिक स्टफ मिल रहा है। हाँ, ले सकते हो। इवन डिफरेंट कलर्स। हाँ, ये भी अच्छा लग रहा है मुझे। दिस इज ऑल्सो नाइस। काफ़ी बाली वाइब्स वाले कपड़े हैं। 400K कितना हुआ? 2000। हाँ, पर ये अंदर है ना कैफे के, ये फ्ली मार्केट, तो इट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। बट आई थिंक वी विल गेट द सेम स्टफ इन उबुद मार्केट आल्सो। क्यूट स्टफ, क्रिस्टल्स वगैरह का भी कुछ है। ये सिल्वर है। नाइस। इस कैफे में योगा सेंटर भी है भाई। सही है, योगा चल रहा है यहाँ पे। I think you should stay in Bali for 30 days and extend your visa if you feel like. तो योगा वोगा करना अपना यहाँ पे।
अच्छी है इस कैफे की वाइब, इतने खाना आता है, इतना घूम लेते हैं। यहाँ लाइव म्यूजिक भी चल रहा है। ये अभी हैंड टू हैंड बना रहे हैं, कार्विंग कर रहे हैं वो पेन से। अच्छा, देखो हाँ, इस कार्विंग फिर उसमें इंक भर रहे हैं। ये सारे गॉड्स हैं, देखो ये नाइस, शंकर भगवान बोले बाबा आ गए हैं। यहाँ की वाइब सच में बहुत अच्छी है, यहाँ पर म्यूजिक बज रहा है और यहाँ पे इतनी अच्छी फ्रेगनेंस आ रही है ना, इतनी अच्छी फ्रेगनेंस आ रही है कि मतलब मन कर रहा है कि यहीं बैठा रहूँ। और यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी मार्केट सी लगी हुई है यहाँ पर। अभी लोग वहाँ सामने गए हैं जहाँ पे कार्विंग हो रही है, बहुत अच्छा है। यहाँ की चाय में दूध तो नहीं आया पर हमने ऑर्डर करा है। ब्रेकफास्ट इज हियर, स्मूदी बोल, कितना अच्छा लग रहा है। हाँ अच्छा लग रहा है। ये है डोसा, काफी प्रीटी लग रहा है, ऑर्गेनिक डोसा, पराठा। हाँ, सारी चीजें ऑर्गेनिक है, इवन इनके ये जो है ना टिश्यूज, बोल इज लुकिंग डिलीशियस एंड आल्सो पिंक, व्हाट इज दिस पिंक, ये देखो बैम्बू की है, ये स्ट्रॉबेरी की, सब कुछ काफी ऑर्गेनिक है। लेट्स टेस्ट दिस, फ्रोजन बेरीज यूज करते हैं ना शायद इसलिए। तीन लाख का बिल है, तीन लाख का बिल। यहाँ पे योगा के साथ साथ मसाजेस भी होती हैं। एंड दिस साइड रिट्रीट्स, स्पेशल वर्कशॉप, वर्कशॉप क्या क्या होते हैं, रिट्रीट्स, हेल्थ एंड वेलनेस, हब में इनको क्या क्या चल रहा है अभी आजकल, इवेंट्स वो सब है। इससे रिलेटेड स्टफ भी 30 डेज रुकता है ना। हाँ नाइस, अभी बिल सेटल किया है, कैलकुलेशन चल रही है क्योंकि लाखों में बात हो रही है, हर चीज़ कैलकुलेट करनी पड़ रही है। हाँ एक तरह से इनके लिए चिल्लड़ है, हमारे लिए लाख है भाई। सिम लेने आए हैं पर इनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या बोल रहे हैं, पर नेट भी नहीं चल रहा जो ट्रांसलेट कर रहे हैं। एवरी डे 14 GB, ये बता नहीं रहा है, हम वन डे बोल रहे तो वन डे बोल रहा है, टोटल बोल रहे तो टोटल बोल रहा है। लास्ट रिजॉर्ट गूगल ट्रांसलेट यूज कर रहे हैं हम सिम लेने के लिए। 4 लाख की सिम भैया, थैंक यू। हाँ अब चलते हैं करेंसी एक्सचेंज कराने, यहाँ पे ATM भी है और करेंसी एक्सचेंज भी है जस्ट हमारे बगल में ही जहाँ पे हमने खाया है। हमें रेट मिल रहा है 14,900, एयरपोर्ट से अच्छा रेट है, 6 लाख रुपए मिलेंगे। कहाँ जा रहे हो, खेत खलियानों में? हम स्पा जा रहे हैं। हाँ हमने एक स्पा देखा है नियर बाय, उसका रास्ता देखो कितना अच्छा है। यहाँ पे एक बात तो नोटिस कर ली पहले दिन में, हाँ कहीं भी खड़े हो जाओगे फोटो अच्छी आएगी। सीरियसली ये जो इनके ये वाले पेड़ है ना हर जगह ही है, दिस इज द प्लेस। वैसे तो हमने गूगल पे ढूंढा है पर देखते हैं कि कैसा निकलता है। तो क्या करते हो? कॉफी बना रही हूँ, मार्ट में है हम और एक कॉफी पीने का मन किया मसाज कराने के बाद। थोड़ा सा मसाज बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, अच्छी थी हाँ, मसाज मसाज कराई हमने, व्हिच इज बेसिक हियर बट इट वाज रियली गुड। यहाँ पे मार्ट में ही आप कॉफी लेके यहीं से आप हाँ। बना भी सकते हो। ओके ये बन गई हमारी कॉफी, मतलब पी के देखो सही आ रही है, ऑलरेडी शुगर है। अच्छा नाइस, सो वी आर गोइंग टू फिन्स बीच क्लब। Thank you.
हेलो यहाँ पे बीच का एक्सेस एकदम सामने है, इतना पास लग रहा है, अच्छा भी लग रहा है ना सही में। बहुत ही क्रेजी क्राउड है और मतलब अच्छा है बहुत, और बहुत बड़ा भी है। सिक्योरिटी पे हमें गिम्बल रखना पड़ा था बिकॉज यहाँ कैमरा और फोन के अलावा कुछ अलाउड नहीं है। दिस प्लेस वाज क्रेजी इनसेन लिटरली। और हाँ एक अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे हर प्रॉपर्टी हर बीच क्लब कुछ भी बनाओ यहाँ पे गणेश जी उनकी प्रॉपर्टी के आगे बने हुए होते हैं। दीज पीपल आर क्वाइट ट्रेडिशनल। एटलस बीच क्लब भी साथ पास में ही है और जिस प्रॉपर्टी में हम रुके हैं ना उन्होंने हमें कुछ डिस्काउंट भी ऑफर किया है, इस प्रॉपर्टी के साथ उनका टाई अप है। सो वी आर गोना चेक आउट दिस प्लेस एज वेल, लेट्स सी हाउ इट इज। ये भी थोड़ा सा डिफरेंट तो लग रहा है वहाँ से। यहाँ पे नाइट क्लब भी है जिसकी 250K की एंट्री है जो 4 AM तक खुला रहता है एटलस का। और ये है यहाँ का बीच क्लब एंड सनसेट बार। और यहाँ पे टेरेस पे कुछ सीक्रेट गार्डन भी बना हुआ है, यहाँ पे कुछ अच्छा अच्छा सा आर्किटेक्चर है। इनका ये रेस्टोरेंट एरिया भी है जैसे वहाँ का था ना सेंट्रो पे फिल्म्स का, यहाँ पे ये है पवेलियन। वेव्स देखो कितनी स्ट्रॉन्ग आ रही है। एकदम एज पे है, इट गिव्स यू दैट इंफिनिटी पूल वाइब। पर जो फिल्म्स में क्राउड है ना वो यहाँ नहीं है इतना। आई थिंक इट क्लोजेस अराउंड 12 मे बी बिकॉज ऑफ दैट। ऑल्सो यहाँ पे वैसा डीजे नहीं है, बड़ी बड़ी स्क्रीन है बट जो म्यूजिक वहाँ था वो अलग ही था है ना। फिल्म्स और एटलस सेम। एटलस भी वैसे काफी बड़ा है, यहाँ पे स्लाइडिंग पूल है और वहाँ पे पूल बार अलग से है। हाँ
आ गए हैं हम सर्कल के, यहाँ की डब्ल्यू मार्ट और इंडो मार्ट की तरह ही है। यहाँ पे सारी ग्रोसरीज, रेडी टू ईट फूड मिलता है, तो कुछ ले लेते हैं यहाँ से। मोस्टली चीज़ें यहाँ पे चिकन और बीफ और लैम्ब की होती है, बट स्टिल आई थिंक यहाँ पे एक दो वेजिटेरियन ऑप्शंस हैं, और ऐसे बनी हुई चीज़ें भी हैं, हॉट डॉग एंड ऑल, जो ये रीहीट करके आपको दे देते हैं, आइसक्रीम, नूडल्स और ये कॉफ़ी जैसी हमने सुबह पी थी। ये माइलो भी आते हैं क्या ऐसे? ओके, इट इज़ फॉर 8,000, दैट मीन्स 40 rupees। ओके, मिल्क है यहाँ पे 23,500 का, ये 46,000 का आमंड मिल्क। सबसे सही बाय सर्कल के का ये है, 21,000 की पूरी इतनी बड़ी बॉटल, वैसे 30-30 की सिर्फ आई थिंक 2-3 ग्लास जिसमें आता है वो वाली बॉटल मिलती है यहाँ के कैफेज में। फिन से आ गए हैं वापस और हमने कर लिया है डिनर ऑर्डर। ये है चिकन तेरियाकी, हाँ यहाँ पे राइस बॉल्स बड़ी मिलती हैं ग्रैब पे और काफ़ी सही मिलती हैं। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम बाली अगेन, इट्स आवर सेकंड मॉर्निंग हियर, और आज हम चेकआउट कर रहे हैं चांगू से, एंड बिफोर चेकिंग आउट वी आर गोइंग टू अ रियली क्यूट कैफे कॉल्ड काइंड कम्युनिटी। वो सेमिनियाक और चांगू दोनों जगह है और इंस्टा वर्दी पिक्चर्स आती हैं वहाँ पे, इसीलिए वो फेमस है, बट वहाँ के स्मूदी बोल्स भी बहुत फेमस है। सो चलो लेट्स चेक इट आउट, लेट्स गिव यू अ लिटिल टूर ऑफ दिस प्लेस। पिंक और वाइट एस्थेटिक्स हैं पूरे, एंड दिस प्लेस इज कम्प्लीटली वीगन, सब कुछ वीगन मिलता है, और इवन दे सर्व एग एंड ऑल ये सारी चीज़, बट वो भी वीगन होता है। आई डोंट नो वो कैसे रेप्लिकेट करते हैं सेम डिश, बट इट्स क्वाइट नाइस। हम सोच रहे हैं बाहर बैठे हैं अंदर बैठे हैं, अभी के लिए तो अंदर बैठे हैं, बट बाहर भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। अंदर से भी देखो सब कुछ पिंक है, काफ़ी क्यूट। तो ब्रेकफास्ट आ गया है, हाँ दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है। I'm just loving this Big Boss brekkie. हाँ, इसने मंगाया है बिग बॉस ब्रेकी, और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, हैश ब्राउन है, साडो ब्रेड है, मशरूम्स, अवोकाडो, और ये है क्यूट बाउल जो मैंने मंगाया है, विच इज बाली असाई बाउल, एंड फ्लफी पैनकेक्स, एंड द सॉस इज पिंक। हाँ, आई थिंक दिस इज द क्रीमर और समथिंग, लेट्स टेस्ट इट अभी। और ये फ्लफी पैनकेक्स अच्छे तो लग रहा है, बिलोंग्स टू हिम। एंड वन मोर मैक्सिकन बुरीटो जो है वो मंगाया है आयुष ने, थोड़ा सा ज़्यादा खा रहे हैं वी नो, बट हमें ब्रंच करना था। स्मूदी कौन सी? या ये है ट्रॉपिकल फील स्मूदी है, ओट मिल्क स्लशी, लुक्स नाइस। चलो ठीक है, यहाँ की बाकी क्यूट चीज़ों के साथ यहाँ की स्पून्स भी बहुत क्यूट है। ₹589,000 इंडोनेशियन रुपया का बिल है, थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, बट INR में कन्वर्ट करें तो इट्स अराउंड समवेयर लेस देन 3,000, जिसमें चार लोगों ने भरपेट खाना खाया है, तो इतना भी नहीं है अगर INR में कन्वर्ट करें, बट इट्स रियली नाइस, खाना बहुत ही अच्छा था और फिलिंग भी था, डेफिनेटली रिकमेंडेड।